नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमने देखा कि आकाश ने कितने रूप बदले, कभी तो धूप, कभी बादल और कभी बूंदा बूंद, कितने रूप बदले हैं। आकाश ने रूप बदले, हम देखते हैं, हमें दिखाई देते हैं। पर एक आदमी जब सोकर उठता है और वापस सोता है, उसके बीच में कितने रूप बदलता है, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। बहुत रूप बदलता है। अगर एक व्यक्ति उठे तब से पेंसिल डायरी पास में रखे और जब जब रूप बदलता है, मूड बदलता है, जब जब आवेश आते हैं, शांत होता है, उन सब को नोट करता चला जाए, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शाम तक एक डायरी पूरी भर जाए। पर्याय का परिवर्तन, इतना रूप बदलता है आदमी। हम चल को जानते हैं किंतु चल में अचल रहना कम जानते। धर्म का तात्पर्य यही था कि चल में अचल रह सको, और तो सारा चंचल है। और धर्म करना है तो हमें अचल एकाग्र होना होगा, अचल बनना होगा। एक संस्कृत कवि ने अच्छा लिखा कि चला लक्ष्मी चला प्राणा, लक्ष्मी भी चल है, किसी के पास स्थाई नहीं रहती। किसी के पास 100 वर्ष, किसी के पास 50 वर्ष, आखिर चली जाती है, और जाती है उसका कारण बन जाता है। हमने देखा कि बाप ने बहुत बढ़ाया, दादे ने बहुत बढ़ाया, और फिर बेटे पोते ऐसे होते हैं कि आपस में ही लड़ झगड़ कर घर को समाप्त कर देते हैं, या व्यसन में चले जाते हैं तो समाप्त कर देते हैं। तो लक्ष्मी भी चला है, आज तक भी बहुत लंबे समय तक किसी एक के पास धन रहा हो, ऐसा इतिहास नहीं है। बड़े बड़े सम्राट राजे महाराजे हुए, परिवर्तन हो गया सारा, उनका भी नाम नहीं रहा। जिन लोगों को आज से 50 वर्ष पहले देखा था, आज उन्हें पहचानने में कठिनाई हो रही है। ऐसा बूढ़ापा आ गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वह भी यौवन भी चंचल है। तो आखिर कवि ने कहा, कितनी बात मैं आपको गिनाऊं, चला चले च संसारी, सारा संसार ही चला चल है। तो फिर क्या निश्चल क्या है? कि धर्म एको ही निश्चल है। एक चीज निश्चल है, वह है धर्म। कौन सा धर्म, एक बड़ा प्रश्न होगा, कौन सा धर्म? यहां आकर रुकना पड़ेगा। अगर यहां हम नाम गिनाए कि जैन धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, तो हम भ्रांति में चले जाएंगे, बड़ी भ्रांति होगी। वह धर्म निश्चल है जो वीतरागता का धर्म है, आत्मा की पवित्रता का है। वीतरागता वह निश्चल है, वीतरागता कभी जाती नहीं है। जैसे जैसे आदमी वीतराग बनता है, उसकी दुनिया अलग बन जाती है। अनेक बार जब मैं छोटा था, मन में प्रश्न था कि धर्म और संसार में फर्क क्या है, क्या अंतर है? हमें भेदरेखा तो खींचनी होगी। हम धर्म को जब अलग मानते हैं, समाज से अलग मानते हैं, तो फिर आखिर में भेदरेखा क्या है दोनों के बीच में? तो फिर उसका समाधान भी मैंने किया कि
जो किसी पदार्थ के द्वारा नहीं मिलता, वह जिसके द्वारा मिलता है उसका नाम है धर्म। जो किसी पदार्थ के द्वारा मिल सकता है, पैसे के द्वारा मिल सकता है, उसका नाम धर्म नहीं है। जो किसी के द्वारा नहीं मिल सकता उसका नाम धर्म है, और वह है उपशम या वीतरागता। वीतरागता किसी पदार्थ के द्वारा नहीं मिलती, वीतरागता धन से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती, वह केवल आत्मा की पवित्रता के द्वारा मिलती है। जो आत्मा की पवित्रता है, जो राग द्वेष का उपशमन है, जो कसाय का उपशमन है, जो क्रोध महान माया लोभ का उपशमन है, वह पैसे से नहीं मिलता, किसी पदार्थ से नहीं मिलता, न सत्ता से मिलता, न अधिकार से मिलता, किसी से नहीं मिलता। तो जो वस्तु किसी से नहीं मिलती और केवल धर्म से मिलती है, वह हमारा धर्म हो गया। जब यह बात समझ में आ जाए तो फिर मोह कम होगा, आसक्ति कम हो जाएगी। आज भी प्रातःकाल पश्चिम रात्रि में हमने छोटे साधुओं से पूछा कि प्रसन्न आत्मा, बोलो प्रसन्नता में का अर्थ क्या है, प्रसन्नता। तो फिर आखिर हमने स्पष्ट किया कि राजी होना प्रसन्नता नहीं है, खुश होना प्रसन्नता नहीं है। यह तो एक द्वंद्व है, राजी हो गया, अनुकूल बात मिली तो राजी हो गया, प्रतिकूल मिला तो नाराज हो गया। ये तो एक द्वंद्व है, ये कोई धर्म और साधना नहीं है। प्रसन्नता है आत्मा की निर्मलता। संस्कृत में नाम भी है प्रसन्नमच्छम, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ है आकाश, बादलों से घिरा है आकाश को मलिन कहते हैं काव्यों में। और जब बादल छंट गए, बादल साफ हो गए, आकाश बिल्कुल साफ हो गया, तो कहते हैं निर्मलम प्रसन्नम आकाशम, आकाश प्रसन्न हो गया। तो प्रसन्नता हमारी स्वाभाविक क्रिया है आत्मा की, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं होता, निर्द्वंद्व साधना की क्रिया है। तो वह खुश हुआ, बहुत राजी हुआ कि मैं जो चाहता था आज मुझे मिल गया, और आज अब मैं गरीब नहीं रहूँगा, मैं दूसरों को भी धनी बना दूंगा। नमस्कार किया और राजी राजी होकर नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत किया होगा, और वहाँ से चला। मुश्किल से आधा किलोमीटर गया होगा और मुड़ गया, वापस आया, वापस आया, आकर बोला कि यह लो आपका पत्थर पारसमणि। उसने कहा, अरे तूने इतनी आजीजी की थी और बड़ी मुश्किल से मैं पसीजा और मैंने दिया, अब लौटा क्यों रहा है? कहा, नहीं नहीं, अब एक बात मेरी समझ में आ गई, मैं एक बात को सच्चाई को समझ गया। क्या? अगर यही सब कुछ होता तो आप इसको क्यों फेंकते? तर्क तो अच्छा है ना एकदम, कि यही बड़ा होता, सब कुछ होता तो आप नहीं फेंकते। जिसे पाकर आपने इसे फेंका, मुझे वह दो, मुझे यह नहीं चाहिए। पहुंच गया। अब जिसे पाकर आपने इसको फेंका, वह दो, पहुंच गया। कौन फेंक सकता है, कौन फेंक सकता है? कि जिस व्यक्ति में चेतना का जागरण हो जाता है, पदार्थ की आसक्ति कम हो जाती है, वही व्यक्ति पारस मणि को फेंक सकता है। जिसमें ऐसा नहीं है, कभी नहीं फेंक सकता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, 100-200 रुपया इधर उधर हो जाते हैं तो रोटी हराम, नींद हराम हो जाती है, तो फिर कैसे फेंक सकते हैं? फेंक नहीं सकता। हम यहाँ इस बिंदु पर आकर धर्म को समझ सकते हैं कि धर्म की वह चेतना है जिसके जागृत होने पर आदमी पर्स को भी फेंक सकता है। धन की बात दूर, सोने की बात दूर,
सोना बनाने का कारखाना जो है पारस का बनाते चले जाओ, उसको भी फेंक सकता है, उसका मूल्य नहीं रहता उसके सामने। जब तक हम चेतना का मूल्य नहीं जानते तब तक हमारी दृष्टि में पदार्थ का बहुत मूल्य है, और जब हम चेतना का मूल्य जान जाते हैं तो पदार्थ का मूल्य कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब तक आसक्ति है तब तक पदार्थ का बहुत मूल्य है। एक है उपयोगिता और एक होता है मूल्य। पदार्थ की उपयोगिता है वहाँ तक तो हम स्वीकार करें, किंतु जब पदार्थ को मूल्य देने लग जाते हैं वहाँ मूल्यों की विश्रृंखलता होती है और समस्या पैदा होती है। हम मूल्य को समझने का प्रयत्न करें। हमने स्वास्थ्य का मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि वह अमूल्य है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया। आजकल हमारे सामने भी कई बार प्रश्न आते हैं कि हम प्रेक्षा ध्यान का शिविर इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया प्रयोग है, फिर भी बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं। और वही अगर एक शिविर में एक दिन की 1000 रुपया फीस रख दी जाए तो बड़े बड़े लोग आने लग जाए, क्योंकि दृष्टिकोण ही गलत है। जबकि हमारी दृष्टि तो यह है कि जहाँ अध्यात्म का प्रयोग है वहाँ यह पैसा होना भी नहीं चाहिए। खाने पीने का अलग बात है, उसका मूल्य नहीं होना चाहिए कि शिविर में भर्ती होने के लिए आपको 500 देना पड़े, 1000 देना पड़े। किंतु सारा मूल्यों का दृष्टिकोण ऐसा हो गया, ऐसा कि आज वैसा नहीं होता। आचार्य तुलसी जयपुर में थे, भागीरथ जी कनौड़िया जो बहुत प्रसिद्ध कलकत्ता के वैचारिक भी उद्योगपति भी वैचारिक व्यक्ति, बड़े विचारवान व्यक्ति थे, कनौड़िया जी आए। मैं भी गुरुदेव के पास बैठा था। हमारी एक पुस्तक श्रमण महावीर, भगवान महावीर के जीवन का, जो 1974 में उसी समय निकला था, पुस्तक पढ़ी थी। उन्होंने पुस्तक उठाई, थोड़ी पढ़ी, पढ़ने के बाद मूल्य देखा तो उस समय शायद उसका 16 रुपया मूल्य होगा। उन्होंने कहा, आचार्य जी ये क्या किया आपने, पुस्तक का मूल्य घटा दिया, 16 रुपया कोई खरीदेगा नहीं अच्छा आदमी, अगर इसी का 200-400 होता तो आप देखते हैं ये बाजार में मिलती नहीं है सारी। क्योंकि आजकल लोगों का ये हो गया, बाजार में जाते हैं तो चप्पल या जो कुछ भी खरीदते हैं, अच्छी कीमत है तब तो खरीद लेंगे, वही के 2 रुपया में मिलता है तो रद्दी की टोकरी में डाल देंगे उसको। एक सारा मूल्य का दृष्टिकोण बदला हुआ है कि किसका कितना मूल्य है और उस पर आधारित है। तो शायद यही समस्या स्वास्थ्य के सामने है कि स्वास्थ्य बिना मूल्य आता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर मूल्य होता तो फर्क पड़ता। किसी अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछ लिया कि बताओ सूरज के प्रकाश में बिजली के प्रकाश में क्या अंतर है। वो बोला, मास्टर साहब सीधी बात आप नहीं जानते कि सूरज का प्रकाश तो अमूल्य बिना मूल्य मिलता है और बिजली के प्रकाश का हमें बिल चुकाना पड़ता है। तो साफ बात है, इसमें क्या पूछने की बात है। तो जिसका मूल्य है, सूरज के प्रकाश के प्रति हम सावधान नहीं है किंतु बिजली के प्रकाश के प्रति जागरूक है पूरा, क्योंकि उसका पैसा लगता है, वह तो मुफ्त में आता है। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो फ्लैट में बंद रहते, सचमुच धन्यवाद ही देना चाहिए। हमने भी 1-2 दिन थोड़ा अनुभव कर लिया कि जा न सूरज दिखाई देता, न आकाश दिखाई देता, और न हवा का प्रवेश होता, न धूप, न छाँ, कुछ भी नहीं। तो बड़ा अटपटा लगता है, एक दिन में ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर भारी हो गया है। तो जिन्हें कभी प्रकाश मिलता ही नहीं सूरज का, उसका हम मूल्य नहीं आंकते। कारण अमूल्य मिलता है, जिसका मूल्य नहीं है किंतु वास्तव में जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं। भगवान महावीर ने आतापना ली थी, जैन परंपरा में अनेक साधुओं ने आतापना ली थी, मैंने भी स्वयं आतापना का प्रयोग किया था, वैसे शिला पर सोकर नहीं किया पर प्रयोग बहुत किया था। और मैं मानता हूँ शक्ति संचय के लिए
और आंतरिक ज्ञान के विकास के लिए सूर्य का आतप लेना अत्यंत आवश्यक है, पर वह अमूल्य है, इसलिए हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है उसका, मूल्य नहीं है। अगर मूल्य होता तो मकानों की बनावट ऐसी नहीं होती कि जहाँ धूप न आए कुछ भी न हो। मैं एक दिन लाडनू जैन विश्व भारती में कमरे में बैठा था, व्यक्ति आए, बड़े प्रबुद्ध लोग थे, आते ही वंदना कर बैठ गए, देखा, देखकर बोले कि मकान किसने बनाया। मैंने पूछा क्यों, कि बनाने वाला बहुत होशियार व्यक्ति है, क्यों, कि यहाँ हवा भी पूरी आ रही है, धूप भी भीतर आ रहा, तो बनाने वाला होशियार है। वह मकान कभी अच्छा नहीं होता कि जहाँ बाहर की हवा भी न आए और धूप भी न आए, सूर्य का प्रकाश न आए। अब प्रकाश का मूल्य हम इसलिए नहीं जानते, सूर्य के प्रकाश का आतप का मूल्य हम इसलिए नहीं जानते कि उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमारी दृष्टि में बिजली के प्रकाश का मूल्य है और उसका कोई मूल्य नहीं है। हमारी दृष्टि में श्वास का भी कोई मूल्य नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए, एसेंशियल जिसको कहते हैं, केवल आवश्यक ही नहीं, एसेंशियल अनिवार्य है, वे सारी चीज़ें अमूल्य हैं। और जो नंबर दो की है उनका मूल्य है, तो जो प्रथम नंबर की जिनका मूल्य नहीं अमूल्य है उनकी तो हम उपेक्षा कर देते हैं, और जिनका मूल्य है उनके प्रति हम जागरूक रहते हैं। मैं तो मानता हूँ अगर एक श्वास के प्रति हमारा सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर हमारे सारे जीवन की धाराएं बदल सकती है। इसलिए आप अगर धर्म को समझने का प्रयत्न करें तो आत्मा परमात्मा की लंबी चौड़ी बात पहले न करें, उलझ जाएंगे। तर्कों का ऐसा जाल है कि उलझ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं तो शरीर के रहस्यों को, श्वास के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करें। जब आप श्वास के रहस्यों को समझेंगे और शरीर के रहस्यों को समझेंगे तो फिर धर्म की बात आपके समझ में आएगी। मैं देखता हूँ आज के वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, साइकोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं, वे शरीर की बात करते करते धर्म के निकट पहुंच गए। और हम लोग यहाँ धर्म की चर्चा तो बहुत करते हैं और धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। बस धर्म को मात्र एक बात विवाद का अखाड़ा सा बना रखा है, मतभेद का बना रखा है और ऐसी धारणाएं बना रखी है। इसका कारण बहुत साफ है। भगवान महावीर हुए 2500 वर्ष हो गए, यहाँ शंकराचार्य हुए और भी रामानुज हुए, कपिल, कणाद दार्शनिक हुए, समय हो गया। अब उन्होंने जो कह दिया उसको भी पूरा नहीं समझा जा रहा है, नई खोज का रास्ता तो बंद हो गया। अब जहाँ नई खोज कोई नहीं होती, वह चीज़ कितनी उपयोगी रहती है। हमारे सामने भी बहुत बार प्रश्न आता है कि आज जैन धर्म की प्रासंगिकता क्या है, अहिंसा की प्रासंगिकता क्या है। अगर उस प्रासंगिकता को हम ठीक से प्रस्तुत न कर सकें और वर्तमान की समस्या का समाधान करने वाला प्रस्तुत न कर सकें तो पुरानी बासी चीज़ जनता के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती। इसलिए हमें कुछ नया सोचना चाहिए, नई खोज करनी चाहिए। आचार्य सिद्धसेन, जो जैन परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं, सिद्धसेन जैसे दिगंबर परंपरा में कुंद कुंद का जो स्थान है, तो श्वेतांबर परंपरा में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का स्थान है। उन्होंने बड़े स्वतंत्र चिंतन वाले थे, उन्होंने लिखा कि मैं पूर्वजों ने जो कहा उसे दोहराने के लिए नहीं जन्मा, नहीं जन्माऊं मैं उसके लिए।
बड़ी महत्व की बात कही, हम भी सोचें कुछ करना है। अहिंसा यात्रा की बात आप सुन रहे हैं और हम लोग बस ये मत मारो, ये करो, वह करो, इसमें उलझे हुए हैं। अहिंसा के द्वारा जीवन में आने वाली समस्याएं कैसे सुलझती है, समाज में आने वाली समस्याएं कैसे सुलझती है, उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। फिर अहमदाबाद में हमने सुना कि रथ यात्रा को लेकर और फिर से हिंसा भड़कने वाली है, तो फिर हमने एक प्रयत्न शुरू किया और हमारे कुछ अच्छे माध्यम व्यक्ति हैं, वे उनसे मिले। तो एक बार हमारे पास मुस्लिम नेताओं की गोष्ठी हुई, 30-40 प्रमुख व्यक्ति यहाँ के मुस्लिम नेता आए। फिर 2 दिन के बाद हिंदू संगठनों के नेताओं की गोष्ठी हुई, उसमें भी काफ़ी लोग आए और सब ने सद्भावना प्रकट की। तो फिर तीसरी बार हमने हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक की एक साथ, और उसमें पुलिस कमिश्नर भी रहे, सारी चर्चा की और फिर एक संयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई जो हिंदू मुस्लिम दोनों नेताओं द्वारा स्वीकृत हुई, दोनों ने स्वीकार किया उसको। उसके 5 सूत्र थे, कभी किसी भी संप्रदाय का कोई धार्मिक आयोजन, उत्सव, त्यौहार, पर्व हो, दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप न करे, उसका अनादर न करे, सब ने उसको स्वीकार कर लिया और आखिर शांति से रथ यात्रा हो गई। लोग कहते हैं कि इन वर्षों में जितनी शांति से कल निकली सोमवार होता है। तो अहिंसा का कुछ प्रयोग होना चाहिए कि जहाँ हिंसा की समस्या है उस बारे में हमारा प्रयोग चले, केवल मत मारो और यह खिला दो, यह करो, इस तक सीमित रहें। ठीक है, वह एक अलग काम है, परंतु इस तक हमें सीमित नहीं रहना है। अहिंसा के द्वारा व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस विषय में हमारा चिंतन आगे चलना चाहिए। तब तो अहिंसा त्रैकालिक होगी, प्रासंगिकता बनी रहेगी, और केवल छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएं उससे अहिंसा की तेजस्विता नहीं होगी। इसलिए आप सब बस सार इतना में समझें कि हमें मूल्यांकन का दृष्टिकोण विकसित करना है। और अहिंसा का मानता हूँ जितना मूल्य श्वास का है व्यक्ति के लिए, उतना ही मूल्य समाज के लिए अहिंसा का है। श्वास बंद हो गया, व्यक्ति नहीं जी सकता। अहिंसा समाप्त हो गई तो समाज नहीं जी सकता। इसलिए हम दोनों का मूल्यांकन कर और नई दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। तो हमें बहुत सूक्ष्मता से इस पर विचार करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए आप अपने मूल्यांकन का दृष्टिकोण बदलें, जो अमूल्य है उसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करें। मैं मानता हूँ आपने धर्म की दिशा में प्रस्थान कर दिया। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। Uh-huh।